नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मेष राशि में गुरु होंगे वक्री, प्रभाव डालेंगे वृष राशि पर। अब देखिए कैसा प्रभाव डालेंगे वृष राशि पर। अगर हम वृष राशि से चलते हैं तो मेष राशि 12वें भाव की राशि बन जाती है। ये वृष राशि वालों के लिए है, टॉरस वालों के लिए, और बना रहे हैं चंडाल योग, और वो भी वक्रीय गुरु होकर के। अब ऐसे में एक तरफ देखें तो गुरु बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट माने जाते हैं, लेकिन राहु एकदम पापी ग्रह यानी मैलेफिक प्लेनेट, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलते ही चंडाल योग बन जाता है। रेट्रो होते ही उसका गुरु का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक तरफ से देखें तो ये 12वें भाव की राशि बन जाती है, और 12वां भाव वैसे विदेशों का कहा जाता है, लेकिन जब ये ऐसा योग, ऐसी युति जो कि मेष राशि में वक्रीय हुए हैं गुरु लगभग 12 साल बाद, तो 12 साल बाद चंडाल योग बना करके आपको परेशान करेंगे। सबसे पहले तो टॉरस वालों को अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे 12वें भाव की राशि है ये, और 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल का भाव भी होता है। चक्कर, आवाजाही खूब सारी कराएंगे, हर दिन दवाइयां लेने चले जाएंगे आप, तो आपने ध्यान रखना है। जहां नजर हटती है तो दुर्घटना भी तो वही घटती है, तो आप ऐसी नौबत ही मत आने दी कि बीमारी इतनी बढ़ जाए फिर आप कंट्रोलिंग करने चले। आपने अपनी हेल्थ को सर्वोपरि लेना है, बहुत अच्छे से आपने समझना है, संभलना है, और कुछ उपाय जरूर करने, क्योंकि ये जो गुरु वक्रीय हो रहे हैं ये 4 सितंबर को हो जाएंगे और ये 31 दिसंबर तक वक्रीय चाल में रहेंगे, फिर मार्गी चाल चलेंगे। जब तक वक्रीय चाल में ये राहु से थोड़ा अलग ना हो जाए, क्योंकि राहु का बदलाव भी होने वाला है, वो वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे कि आपको कब इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन तब तक तो बचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगे तो आपने अपनी मेडिसिंस को, अगर आप किसी भी तरीके की मेडिसिंस लेते हैं, जो भी दवाई आप लेते हैं, उसे आप प्रॉपरली माइन्यूटली कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि दवाई नहीं छोड़नी है। अगर उपाय कर रहे हैं तो पता चले दवाई छोड़ रहे हैं आप, दवाई मत छोड़िएगा, क्योंकि दवाई और दुआ ये दोनों साथ जब चलती है तो लाभ आपका डबल हो जाता है। तो ऐसे में आपने खास करके अपनी मेडिसिंस का ध्यान रखना। अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं तो लीजिए, घर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाएंगे भी घर की कुछ सर्कमस्टांसेस, संभावनाएं बनाएंगे, लेकिन डील करने में गड़बड़ी कर जाएंगे, हड़बड़ाहट में डील कर जाएंगे, जल्दबाजी में डील कर जाएंगे, यानी गुमराह करने में तो राहु नंबर 1 है, गुमराह तो करेंगे आपको। तो आपने डील कीजिए, अटेंटिव होकर के करनी है डील, यानी कि हड़बड़ाहट में कुछ भी साइन करते रहे बाद में फिर पछताने लग रहे हैं। आप घर लीजिए, मकान लीजिए, सपना पूरा करेंगे आपके, लेकिन गुमराह भी ज्यादा कर देंगे। वहां के लिए आपने थोड़ा सा चौकन्ने रहना है, क्योंकि कुछ उपाय आपने स्वयं करने हैं। अटेंटिव रहेंगे तो समस्याओं से आप बचे रहेंगे। अब आती है बात की धन की बात, क्योंकि जब रेट्रो गुरु होते हैं तो आपके धन को कहीं ना कहीं सेक लगा देते हैं। तो धन तो आपने स्वयं बचा करके रखना है, जो थोड़ा बहुत है, मैं कह रही हूँ ज्यादा भी है, लेकिन अगर ज्यादा भी है तो इधर उधर गलतियों में खर्च हो जाएगा, तंगी देखनी पड़ सकती है फिर आपको। तो आपने जो धन है उसकी केयर कीजिएगा, क्योंकि धन के कारक होते हैं गुरु वक्रीय हो रहे हैं, और आपके 12वें भाव में हो रहे हैं वक्रीय, तो आपको ज्यादा दिक्कतें कर सकते हैं। घूमने जा रहे हैं तो बस घूमने ही जा रहे हैं, खूब खर्च कर दे रहे हैं, जो नहीं है थोड़ा सा लोन उठा करके भी आप खर्च कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अपनी मनी, अपना पॉकेट और अपने सपने आपने ये संभाल करके रखना है। घर में आप बड़े हैं लेकिन गलतियां ऐसी कर देंगे कि जिससे हर कोई आपको कहीं ना कहीं नकारना शुरू कर देगा, अरे क्या बड़े हैं ये, बात करनी तो आती नहीं है, अरे क्या बड़े हैं ये, इनको सिस्टम तो संभालना आता नहीं है।
आज तक नहीं हुआ लेकिन अब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बड़े हैं तो अपना बड़प्पन संभाल करके रखिएगा, कोई ऐसी चूक, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग या फिर कोई बाहर चूक जो आपके घर में भी पकड़ी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी गलती करनी ही क्यों जिससे आपकी रिस्पेक्ट दांव पर लग जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपने अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है, अपने ओहदे का ध्यान रखना है, अपने रुतवे का ध्यान रखना है। ये सारे ध्यान किसने रखने हैं? ये आप ही ने रखने हैं। ये तो आप जरूर कीजिएगा। अब हम आपको एक उपाय देंगे कि वृष राशि वालों को, टॉरस वालों को खास करके कौन से उपाय करने हैं जहां वक्रीय चाल के गुरु आपको नुकसान ना करें। सबसे पहले आपने एवरी थर्सडे कच्ची हल्दी की गांठ, जैसे अदरक के जैसे होती है ये हल्दी, कच्ची वाली हल्दी ज्यादातर घरों में प्रयोग होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है रस वाली यानी जो अदरक जैसी होती है, दूसरी होती है ड्राई सूखी, सूखी नहीं कच्ची हल्दी जो रस वाली होती है, वो हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अच्छे से लपेट करके आपने अपने पर्स में हमेशा रखनी है और एवरी थर्सडे उसे चेंज कर देना है। और एवरी थर्सडे चेंज करके उसे कहाँ रखना है? पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। भले ही मित्र राशि में गुरु वक्रीय हो रहे हैं लेकिन वक्रीय गुरु का प्रभाव हो सकता है। दूसरी बात, आपने कभी भी अपने से बड़ों को आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है और अपने से छोटों के ऊपर हद से ज्यादा दबदबा नहीं बनाना है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं, तो ये प्रिकॉशन तो आपने स्वयं लेना है। अपने धन को भी बचाइए, अपने रुतबे को भी बचाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।